नमस्कार, मैं गौरव विक आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मन की शक्ति यानी विचारों की शक्ति, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, यह मन तुम्हारा सबसे बड़ा सखा मित्र हो सकता है और यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, यदि तुम इसको भली भांति कंट्रोल करना नहीं सीखो। हम बहुत खुश होते हैं यदि हमारे बाकी के ऑर्गन्स, हार्ट, किडनीज, लिवर इत्यादि बहुत अच्छे से काम करते हैं, हेल्दी होते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। परंतु यदि मन अच्छे से काम करता है तो हम बड़े चिंतित हो जाते हैं। मायने, मन का काम है विचारों को पैदा करना और निरंतर विचार बनाते रहना, और यही विचार हमारी पीड़ा का कारण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मन को नियंत्रित करना नहीं जानते, हम चिंता को चिंतन में कन्वर्ट करना नहीं जानते। यदि यही शक्ति हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो चिंतन चिंता बन जाती है, और यही शक्ति यदि हमारे कंट्रोल में रहे तो वो चिंतन हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स, मन का सकारात्मक तरीके से हमारे कंट्रोल में रह करके विचारों को बनाना, हमारे मन और विचारों पे हमारा नियंत्रण होना, ये हमारे भले के लिए, हमारे आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करता है। और यदि ये उल्टा हो जाए तो हमारी आत्मा के नाश के लिए कार्य करता है। ये लिखा हुआ पढ़ा मैंने कहीं पे कि चिंता और चिता दोनों एक समान है। क्यों? क्योंकि चिंता और चिता दोनों ही जलाने का काम करती है, मनुष्य को जलाती है। परंतु चिंता और चिता में एक बड़ा अंतर यह है कि चिता निर्जीव मनुष्य को जलाती है और चिंता जीते जागते मनुष्य को हर वक्त जलाती है। इसलिए मन की ताकत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन यानी विचार, विचार जिस तरह के होंगे, हर विचार एक ऊर्जा तरंगे पैदा करता है। हर तरफ हर जगह ऊर्जा ही है, एंड एवरीवेयर एवरीथिंग इज एनर्जी। विचार ऊर्जा तरंगे पैदा करते हैं। हम यहां पे एक रेडियो का उदाहरण लेते हैं, मोबाइल का उदाहरण लेते हैं। हम यदि रेडियो पे एक पर्टिकुलर चैनल को ट्यून इन करते हैं तो उसी चैनल पे प्रसारित होने वाले प्रोग्राम सुन पाते हैं, ऐसा कैसे संभव है? और यदि हम दूसरा चैनल ट्यून इन करते हैं तो तुरंत हमारे रेडियो सेट पे बजने वाले, प्रसारित होने वाले प्रोग्राम चेंज हो जाते हैं, हम दूसरे प्रोग्राम का आनंद ले पाते हैं। ऐसा इसलिए कि हमने जिस चैनल पे ट्यून इन किया उसकी तरंगें अलग थी और दूसरे चैनल पे ट्यून इन किया उसकी तरंगें अलग थी, वो हमारे लिए हमारे रेडियो सेट पे अलग प्रोग्राम बजाने शुरू हो गई। मित्रों, इसी तरह से अगर हम अपने मन में विचारों को, सही विचारों को जन्म देते हैं तो हमारे जीवन में सही इवेंट, सही चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। और यदि हमारे मन में विचार गलत हैं, नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, तो हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं वो भी नेगेटिव हो जाती हैं। हम चाहे इच्छा कितनी भी पॉजिटिव रखें कि मैं धनवान हो जाना चाहता हूं, मैं धनवान होने की इच्छा रखता हूं, मैं स्वस्थ होने की इच्छा रखता हूं, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, इच्छा होना पहला चरण है। दूसरा चरण है वैसा विश्वास रखना और वैसे विचारों को निरंतर जन्म देना। यह सब अभ्यास के साथ होता है। जैसे एक कमजोर दुबला पतला आदमी यदि मसल्स बनाना चाहे तो असंभव नहीं है, वो जिम जाएगा, अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा और कुछ ही समय के बाद अच्छा खासा मस्कुलर मैन बन जाएगा।
ठीक इसी प्रकार से आप चाहे ये सोचे कि अभी आप कितने ही नकारात्मक विचारों से घिरे हैं, आपके जीवन में चारों तरफ नेगेटिविटी है, आपके अंदर वो शक्ति है, आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकने में सक्षम है, क्योंकि आपके पास इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है और वो है आपका अपना मन। मन जीते जग जीत, ये गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में लिखा है, उनके वाक्य हैं, गुरबाणी में दर्ज है। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं, तात्पर्य मन विचारों की शक्ति को समझ के उनको सकारात्मक तरीके से पॉजिटिव दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जीवन में हर तरफ केवल पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होगी। आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहें, जिस दिशा में भी हासिल करना चाहें, सिर्फ अपने मन के ऊपर काम कीजिए। जैसे हम अपनी कार में अपने घर में बैठे सिर्फ रेडियो चैनल चेंज करते हैं, रेडियो स्टेशन पर जाकर के या दूर से कोई प्रोग्राम लेकर के नहीं आते, वहां जाकर के प्रोग्राम नहीं सुनते, वहां बजने वाले प्रोग्राम हमारे रेडियो सेट पे बजते हैं, वहां प्रसारित होने वाला हर प्रोग्राम हम अपने घर बैठे सुन सकते हैं। वैसे ही अपने मन के अंदर हम जो विचार बनाएंगे वो हमारे जीवन में उनका असर दिखना शुरू हो जाएगा, वैसी ही घटनाएं, वैसे ही इवेंट हमारे जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, मन की शक्ति को पहचानें, आज के बाद बिल्कुल भी नकारात्मक विचार नहीं, और यदि नकारात्मक विचार आ भी जाएं, तो आप तुरंत उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कीजिए। अभ्यास बार 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 करने से एक दिन आप केवल और केवल पॉजिटिव विचार पैदा कर पाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव ऊर्जा तरंगे उत्पन्न कर पाएंगे, और जैसी तरंगे आप उत्पन्न करेंगे, वैसे ही और लोगों को, वैसे ही इवेंट्स को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे, क्योंकि आकर्षण का नियम यही कहता है कि आप जैसी तरंगे पैदा करेंगे, ब्रह्मांड में जो भेजेंगे वही कई गुना होकर के आपके पास वापस लौट के आएगा। सो इसलिए आज के बाद बिल्कुल नेगेटिव विचार नहीं, अभ्यास करेंगे तो केवल और केवल चिंतन करने का, चिंता करने का बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो, आपका वर्तमान आपके भूतकाल में आपके द्वारा छोड़ी गई तरंगों का नतीजा है, परंतु आपका भविष्य, आप आज जो तरंगे, जो एनर्जी, जो वाइब्स छोड़ेंगे, उसका आउटकम होगा। सो आज अभी से केवल और केवल पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव आउटकम के लिए सिर्फ और सिर्फ चिंतन करेंगे, चिंता नहीं। ये बात महर्षि वशिष्ठ ने बहुत समय पहले बड़े अच्छे तरीके से बता दी कि यदि हम चिंता करते हैं तो हमारा मनमय कोष पूरी तरह से विकृत हो जाता है, यानी हमारी मेंटल बॉडी, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और उसका इंपैक्ट हमारे प्राणमय कोष यानी हमारी एनर्जी बॉडी पे पड़ता है, और यदि हमारी एनर्जी बॉडी डिप्लीट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसका असर हमारे जीवन के सारे एस्पेक्ट्स पे पड़ता है, चाहे वो रिलेशन हो, फाइनेंसेस हो, हमारा घर हो, हमारा व्यापार हो, हमारी सेहत हो, हमारा अन्नमय कोष यानी हमारी फिजिकल बॉडी बुरी तरह से इफेक्ट हो जाती है। इसलिए इस चक्र को बदला जा सकता है तो केवल बीज को बदल के, और वो है हमारे विचार। तो आइए अभी से इसके ऊपर काम करें। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश वीडियो के रूप में जो हमने की आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी वीडियो को पसंद किया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आशा करते हैं कि आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे होंगे, आगे भी हमारे प्रयास को पसंद करेंगे, ये उम्मीद में आपसे विदा लेते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।